नहीं। तो फिर क्या हो गया? काम खत्म हो गया। क्यों, बैटरी गई? हाँ। अभी क्या होगा? बैटरी कैसे चली गई? चालू रह गई क्या गाड़ी? बोलता है उसमें तो किक भी नहीं है। प्रेम मर गया। चलो बोलना ही पूछना है, किक नहीं होती है। हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, दिक्कत हो गई यार। ये तो बच्चे स्कूल से आने हैं यार, ये तो सही करानी पड़ेगी, नहीं तो तुम बिना गाड़ी के हो जाएंगे यार। सही क्या, सही तो यार बैटरी निकाल लेता हूँ मैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? फिलहाल हम अच्छे नहीं हैं क्योंकि हमारे संग एक छोटी सी दिक्कत हो गई है। हमें बच्चे लेने जाना है और हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, बैटरी इसकी ख़त्म हो गई लगता है। तो हम जाते हैं, देखो कैसे जाते हैं। ऑटो से जाएंगे और क्या करेंगे। इसको साइड में तो लगा दो। अभी आ रहा था, सुना उसके वहीं ऑपरेशन कर दूंगा। लगा दो। तो मौसम ठीक हो गया शायद, हम जा रहे हैं इसलिए। कचरे की गाड़ी भी आने वाली है, कचरा भी डालना है। मैं कचरा इसमें बाल्टी में कर दूं क्योंकि पानी भी आ सकता है यार। तो दोस्तों फाइनली ऑटो पे जाना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ी तो स्टार्ट हुई नहीं, वो भी बड़ी मुश्किल से मिला है। बड़ी दिक्कत हो गई। साइड हो जा बेटा, ऑटो आ रहा है, इधर आ जा। बस 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 ओली आलामचे गुड गर्ल, स्ट्रांग बेबी है आलामचे। रोड पे नहीं भागना, मेरा हाथ पकड़ लिया। हाँ तो दोस्तों आज तो कुछ ज़्यादा ही हो गया तो हो गया। हाँ अभी एक प्रॉब्लम क्या हो गई, हम लोगों ने सोचा था गाड़ी है काम चल जाएगा, तो हमने कैश भी नहीं लिया। अब टेम्पो से भी नहीं जा सकते क्योंकि उसको कैश कैसे देंगे। टमटम वाले से पूछ लो अगर ले लो तो, वो देखो टमटम वाले से पूछना। पैसे कहाँ दोगी? अरे घर तक के कितने पैसे लेगा देखते हैं। कहाँ जा रहे हो? क्या खाने जा रहे हो? अरे डोसा खाने जा रहे हो? डोसा? मैं तो थक गई सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। इसके भी ऊपर है, सबसे ऊपर है। तो हम जा रहे हैं डोसा खाने, बहुत दिनों से एक शॉप देख रखी थी तो यहाँ पे डोसा खाएंगे। हाँ स्ट्रांग बेबी है दोनों बच्चे। चलो 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 मैं बैठा लेती हूँ। तो वेट तो करो।
मम्मा वाला नहीं, आप मम्मा का वाला दे दो, मम्मा वाला देख तो मैं सारा खाना बंद कर दूँ। इडली लिटिल्स लिटिल इडली ऐसे मत लिए। मम्मा मम्मा एक्टिविटी की थी। क्या एक्टिविटी की थी बेटा? गंदा है तो हम लोग आए हुए हैं। क्या नाम है? संकल्प। संकल्प one of the authentic restaurant in south, the authentic restaurant of south Indian food in Dehradun, serving since 1980. I'm not adding ad, matlab ad bad nahi kar raha hu, matlab to likha tha isi mein bata raha hu. Actually hamare ghar ke paas hi hai to humne kai baar dekha hai yahan pe nikalte hue, to kafi dino se socha tha ki aayenge. Actually maine nahi inhone kyunki dosa ke fan ye zyada hai. मस्त रेस्टोरेंट है, 360 व्यू देती हूँ मैं आपको। लाइट्स थोड़ी सी कम है, ये बच्चे देखते हैं। चलिए जब हमारा फूड आएगा आपसे तब मिलते हैं। मुझे मुझे नहीं पता काई की चटनी है, ये तो शायद लाल वाली चटनी है। काई की ये ककोरन चटनी है, वो तो ककोरन दिख रही है। ये ग्रीन चटनी है, ये ग्रीन चटनी है, और ये टमाटर की चटनी है लाल, और ये इमली की चटनी है। इमली की लग तो नहीं रही, टेस्ट करके बताएंगे, टेस्ट करके बताएंगे। ओ भाई सुन, समझ में नहीं आएगा तो पूछ के बताएंगे। तो दोस्तों हमने खा लिया लेकिन हम आपको दिखा नहीं पाए, सॉरी। और बारिश वापस स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, बहुत तेज़, और गाड़ी है नहीं है। अब देखो कैसे जाते हैं घर। हमारे पास कैश भी नहीं। अरे मजाक है बेटा, मजाक कर रहे थे। तू भी करते ऐसे 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 कर। अरे बस तो ये देखो बारिश बारे। कल भीगने की इच्छा थी, आज भीगने की इच्छा नहीं है। पॉटी बहुत तेज पानी बरस रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है। ओ माँ, ऑटो में भी भीग जाएंगे यार, ऑटो में भी भीग जाएंगे। हवा चल रही है, बारिश हो रही है। क्या बुलाऊं? नहीं ऑटो ही बुला लो यार, इतना नहीं नवाब जादे बनना। सामने टम टम खड़ी है बेटा, ठंड तो अब लग रही है, अब क्या कर सकते हैं। तो भाई दो कदम की दूरी फिर ली, कैब करनी पड़ी, पानी इतना तेज है कि भीग जाते। ये भी एक अलग ही मैं भीगूंगा नहीं, तो पूरे भीग गया यार, इतनी तेज बारिश हो रही है। तो दोस्तों हम तो
आज बहुत स्ट्रगल हो गया। सुबह जा रहे थे ऑटो से तो सुबह तो मैंने उनको जगा दिया दोपहर में, गाड़ी खराब हो गई तो ऑटो से गए, फिर वहां से पानी बरसने लगा बहुत तेज। फिर कैच लाए तो फिर कैब करी हमने, तब हम आए तो भी हम थोड़े बहुत गीले हो ही गए थे। फिर मैं ये देखो ये अपने लल्ला की ड्रेसेस सही कर रही हूँ, सब फट गई थी तो इसलिए वो मैंने फाड़ी थी ना कली जब मैं बाबू कर तो, करते हैं काम, ये सो गए, बोर कर रहा है मुझे। हटो बेटा सिलू में हटो। मम्मा ये कल मैंने करी थी लल्ला की अलमारी की सफाई, आज मैं कर रही हूँ लल्ला के कपड़ों की सिलाई। एक्चुअली बहुत दिन से फटे रखे हुए थे, उधड़ गए थे सारे, तो फटे हुए कपड़े नहीं पहनाते बच्चों को, इसलिए मैंने सारे कपड़े सिल दिए। ये ड्रेस पूरी उधड़ी हुई थी जो मैंने सिली है। अब मैं सोच रही हूँ कि लल्ला के लिए एक ड्रेस बनाई जाए, किसी दिन ट्राई करेंगे ड्रेस को देख ली। और अभी भी मैं कुछ कलाकारी में ही हूँ, क्योंकि ये एक लल्ला की एक ड्रेस थी जिस पे राधे राधे लिखा हुआ था, श्री राधे, तो वो क्या है वो फट गई थी बुरी तरह, वो सही नहीं की जा सकती थी, तो उसके लिए मैं कुछ उसके सिल देती हूँ, थोड़ा सा उड़ाने के लिए या पीछे पीछे आगे लगाने के लिए काम आएगा। क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है? तो सुनो तो आगे दोस्तों को बता दो क्या हुआ, बिस्किट ने क्या किया, क्या हाल बता दिए। फिर भी हम कुछ तभी मैं झाड़ू लगाते लगा थक जाती हूँ। ये देखो सर बंदे कर दिया बिस्किट ने, अब हमें क्या करना पड़ेगा, बिस्किट को यहाँ से हमें सहा नहीं पड़ेगा दूर, तो इसीलिए हम ना आज ना कुछ कर रहे हैं। चलो करने के बाद फिर अंदर आ रहा तो गाइज आज इस बात पे लड़ाई छिड़ी कि क्या बनना है, तो बहुत सारे ऑप्शंस आए थे दिमाग में, तो फाइनली आज बनने जा रहा है मेरी बीवी की पसंद का खाना आलू के पराठे। बीवी की पसंद का खाना बीवी को ही बनाना है। अभी क्या कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि मैं बताता हूँ, मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए, बताओ क्या खाना है। गाइज आप सब यानी 144 करोड़ ऑफ पीपल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इस बात गवाह रहेंगे कि इसको पराठे बना के मैं ही खिलाऊंगा। उनको पराठे बना के खिलाने से मतलब नहीं है, बनाना तो अंत में मुझे है ना, मेरी पसंद का बना के मुझे खिला रहे थे, खुद बना रहे थे सब चीजें, पहले मैं उनको खिलाऊंगी एक घंटा पराठा बना के, तब मैं मेरी बारी आएगी। ऐसे नहीं चाहिए था ना मुझे मेरी पसंद का खाने के लिए, अभी भी नहीं चाहिए मुझे ऐसा खाना। गाइस देख लो मेरी पसंद का खाना है तो मैं किचन में नहीं जाऊंगी। क्या मेरे पसंद का मुझे खाना है तो मैं किचन में थोड़ी ना जाऊंगी। तो बना वो होता है कि मैंने अपनी पसंद का खाया। तो देखा आप सबने इस बात की लड़ाई है, मतलब एक तो बना के भी खिलाओ ऊपर से लड़ाई भी सुनो। नहीं मत खिलाओ, ऐसा नहीं खाना मुझे बना के, अगर मुझे चाहिए तो फिर मुझे ऐसा चाहिए कि मैं खुद ही खाऊंगी, क्या दिक्कत है। तो दोस्तों जो सोचा था वैसा पूरा हुआ, पति ने पराठे बना के तो खिला दिए,
पर मेरी हालत खस्ता हो गई। मुझे मालूम है यार, जब मैं आलू के पराठे जिस दिन मेरे को बनते हैं ना, उस दिन मेरी ऐसी तैसी होनी है। एक्चुअली दिन में हम लोग वो रेस्टोरेंट गए थे ना, तो वहाँ पे हम खा के आए थे, तो हम मैं यही सोच रही थी कि शाम को ऐवी छोटा मोटा हल्का फुल्का कुछ बना लेंगे, खिचड़ी विचड़ी टाइप्स हो जाएगा। तो मैं आराम से ना वो मशीन लेके बैठ गई, आपने देखा ही था, मैं ठीक है रात में आराम कर लूँगी। अब वो भी मैं पूरे दिन बैठी रही, सुबह भी वही 7 बजे उठ गई थी, तो मेरी होने लगी पीठ और कंधा दर्द। उसके बाद मैं पराठे बनाने में जैसे ही खड़ी हुई, मेरी कमर की बैंड बज गई। मैंने कहा लो हो गया, मेरा और आलू का पराठा 36 का आंकड़ा चलता है, क्योंकि मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है ना, इसलिए। तो फिर वही मुझे दर्द में पराठे खाने पड़े, मुझे बना के तो खिलाए इन्होंने, गरम गरम खिलाए, मस्त बढ़िया, मज़ा तो आ गया, पर दर्द में खाने पड़े। और चलो अब लेट भी बहुत हो गया है, सोएंगे, नींद भी आ रही है, आंखों में खुजली भी हो रही है। मिलेंगे आपसे कल नए व्लॉग के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। कल देखो कुछ सोचा तो है, अगर हो जाता है तो करेंगे, नहीं होता तो कोई बात नहीं, कल से देखेंगे। मिलते हैं आपसे, बाय, गुड नाइट।